तो वही फतेहपुर में स्ट्रेचर ना मिलने से तीमारदार परेशान नजर आए। परिजन को गोद में ले जाते हुए कैमरे में कैद हुए और मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने से जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। तो फतेहपुर के जिला अस्पताल का ये मामला सामने आया है। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं फतेहपुर से, जहाँ स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। स्ट्रेचर न मिलने पर तीमारदार परेशान नजर आए, परिजन को गोद में ले जाते कैमरे में हुए कैद। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, वीडियो वायरल होने पर जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप केसरवानी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ है मामला? जैसे कि बता दूं, ये पूरा मामला जिला अस्पताल का है, जहां जिला अस्पताल में बताया जा रहा है कि वहां पे दो पेशेंट है जो कि उनको लाद करके उनके तीमारदार उनको एक तो गोद में लेके जा रहा है और दूसरा अपनी पीठ में लाद करके लेके जा रहा है, उनको स्ट्रेचर नहीं मिला था। तो वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर के ट्रामा सेंटर में मौजूद चिकित्सकों से जब बात की तो उन लोगों ने पहली चीज तो कुछ बोलने से इंकारी कर दिया। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर के सीएमएस से बात करना चाहा तो उनका फोन ही नहीं लग रहा है। जबकि इस तरीके के मामले कई बार इसके पहले भी आए थे। हालांकि कुछ वहाँ पे जो मौजूद स्टाफ था उन लोगों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि स्टेशन यहाँ पे मौजूद था। कुछ लोग होते हैं कि जैसे गाड़ी पे ले करके आते हैं, उसके बाद ये लोग सीधे अपनी पीठ में वो स्टेशन नहीं लेने जाना उचित समझते, वो लोग अपने पीठ में या उसी तरीके गोद में लेकर के लोग पेशेंट को भर्ती करते थे। पर जिस तरीके की ये वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो से साफ साफ इसमें देखा जा रहा है कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है कि गेट के पास ही स्ट्रेचर होने चाहिए, कि जिससे वो लोग अपने स्ट्रेचर पे उसको लेकर के स्ट्रेचर है व्हील चेयर है उसके अपने पेशेंट को लाद करके वो डॉक्टर के पास तक पहुंचे, जिससे वो लोग सही इलाज करा सके। लेकिन इस तरीके की लापरवाही एक दो बार नहीं, कई बार देखने को मिली है। जिम्मेदार अधिकारियों का बयान भी नहीं आता कि जिससे जिम्मेदार अधिकारी इसमें अगर कोई कार्रवाई करे तो इससे इन लोगों के अंदर कुछ बिल्कुल संदीप, देखिए मामले में कार्रवाई तो छोड़िए, जांच की भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से अब फोन नहीं उठाया जा रहा है, किसी तरह की जवाबदेही सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्या परिजनों का किसी तरह से बयान इस मामले को लेकर सामने आया है? हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, अभी ये कौन है परिजन ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ये लोग जिला अस्पताल पे आए थे और इन लोगों की भी तलाश की जा रही है कि ये लोग कौन है। ये लोग अपने अगर बयान अगर जारी कराते हैं आखिर इन्होंने किन कारणों से अपने पेशेंट को लेकर के वहाँ अस्पताल तक पहुंचे हैं और क्या थी उनको बीमारी, तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो सकी। क्योंकि जिला अस्पताल में है डेली वहाँ पे करीबन 200 से 300 मरीज वहाँ पे पहुंचते हैं दिखाने के लिए, तो वहाँ पे भीड़ भी होती है, तो इस तरीके से अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि पेशेंट कहाँ के रहने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फतेहपुर का ये मामला, जहां स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि स्ट्रेचर ना मिलने से परिजन परेशान नजर आए, और वहीं आपको बता दें कि परिजन को गोद में ले जाने का वीडियो भी सामने आया है, और जिसका वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।